हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फायर एंड सेफ्टी गाइड में। आज हम सीपीआर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सीपीआर का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन, इसे फुफ्फुसीय पुनरुज्जीवन भी बोला जाता है। ये एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें रोगी की छाती का बार बार संपीड़न शामिल होता है, जो हृदय गति रुकने वाले व्यक्ति के रक्त परिसंचलन और सांस को बहाल करने के प्रयास में किया जाता है। दोस्तों, अब हम सीपीआर की डेफिनेशन देख लेते हैं। CPR stand for cardio pulmonary resuscitation. It is an emergency life saving procedure that is done when someone breathing or heartbeat has stopped. मतलब क्या है कि ये एक आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है जो तब दी जाती है जब किसी की सांस या दिल की धड़कन बंद हो जाती है। आगे देखिए, दिस में हैपन आफ्टर एन इलेक्ट्रिक शॉक, हार्ट अटैक और ड्राउनिंग। मतलब क्या कि बिजली का झटका, दिल का दौरा या आदमी पानी में डूब जाता है, तब ये सीपीआर के प्रोसीडर हम लोग अप्लाई करते हैं। दोस्तों, अब हम सीपीआर के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप्स है शेक एंड शाउट, मतलब आदमी को जगा कर देखना है, क्योंकि सीपीआर खाली अनकॉन्सियस आदमी को ही देते है, बेहोश आदमी को ही सीपीआर दिया जाता है। कॉन्सियस मतलब सचेत आदमी को सीपीआर नहीं दिया जाता है। सेकंड स्टेप से हमारा कॉल टू एम्बुलेंस, हमें एम्बुलेंस को कॉल करना है। इंडिया का इमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर है 102, इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस का नंबर है 108। ये नंबर कंट्री के चेंज होने पर अलग अलग कंट्री के इमरजेंसी अलग अलग नंबर आपको मिलते हैं। थर्ड नंबर का टिप्स है हमारा चेक फॉर ब्रीथिंग, अचेत आदमी की सांस चल रही है या नहीं चल रही है वो चेक करना है। उसके बाद फोर्थ नंबर का स्टेप है प्लेस योर हैंड एट द सेंटर ऑफ देयर चेस्ट, मतलब हमारे दोनों हाथों की कलाई, कोनी और कंधा लॉक करना है सीधी लाइन, और छाती के दोनों निप्पल्स के सेंटर में अपने हाथों को रखना है। दोस्तों, आगे देखिए अपना जो फिफ्थ नंबर का स्टेप है, उसमें दिया है पुश हार्ड एंड फास्ट अबाउट टॉइस फॉर सेकंड। अब हमें कॉम्प्रेशन देना है, एक सेकंड में दो बार कॉम्प्रेशन देना है, छाती को फ्रेश करना है। अगला टेप है सिक्स नंबर का, उसमें बोला है कि इफ यू हैव हैड ट्रेनिंग रिपीट अ साइकिल ऑफ 30 चेस्ट पुशेस एंड 2 रेस्क्यू ब्रीथ, मतलब 30 बार कॉम्प्रेसर देने के बाद हमें 2 बार ब्रीथिंग देनी है। माउथ टू माउथ मेथड अप्लाई करके हमें उस आदमी को ब्रीथिंग देनी है और फिर से 30 बार कॉम्प्रेशन देना है, फिर से 2 बार ब्रीथिंग देनी है। ऐसा कब तक करना है? जब तक आप खुद थक जाते हो या एम्बुलेंस आ जाती है या आदमी की सांस शुरू हो जाती है, तब तक सीपीआर की प्रोसेस जारी रखना है। आगे देखिए, जो हमने स्टेप्स बताए वो स्टेप्स पूरा डिटेल्स में देख लेते हैं और सीपीआर के कुछ अलग अलग स्टेप्स है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है पोजिशन योर हैंड, मेक श्योर द पेशेंट इज लाइंग ऑन हिज बैक ऑन अ फर्म सरफेस, नील बिसाइड हिम एंड प्लेस द हील ऑफ योर हैंड ऑन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। मतलब क्या कि आदमी पूरा सरफेस पे है, सीधा लेटा है या नहीं, उसकी गर्दन सीधी है या नहीं वो देखना है। उसके बाद उसके बगल में घुटने टेकने हैं और अपने हाथ की एड़ी को छाती के बीच में रखना है, और पहले हमें आदमी सचेत है या अचेत है वो भी देख लेना है। जैसे कि हमने पहले बताया कि सचेत आदमी पर हम सीपीआर की प्रोसेस नहीं करते। आगे देखिए सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में बताया कि इंटरलॉक फिंगर्स, कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट, कवर द फर्स्ट हैंड विद द हील ऑफ योर अदर हैंड एंड इंटरलॉक द फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड टुगेदर, कीप योर फिंगर्स रेस सो दे डू नॉट टच द पेशेंट चेस्ट और रिबकेज। मतलब क्या कि अपने दोनों हाथों की कलाई, कोनी और कंधा सीधा होना चाहिए, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में गट्टे होने चाहिए और अपनी उंगलियों को ऊपर उठाए ताकि रोगी की छाती या पसली के पिंजरे को न छुए। हमारा थर्ड स्टेप से गिव अ चेस्ट कॉम्प्रेशन, लीन फॉरवर्ड सो दैट योर शोल्डर्स आर डायरेक्टली ओवर द पेशेंट चेस्ट एंड प्रेस डाउन ऑन द चेस्ट अबाउट 2 इंचेस, रेज द प्रेशर बट नॉट योर हैंड एंड लेट द चेस्ट कम बैक अप। मैंने पहले सीपीआर टेप्स में जैसे बताया कि 30 कॉम्प्रेशन देने हैं और 2 बार ब्रीथिंग देना है। जब हम कॉम्प्रेशन कर देते हैं तब 2 इंचेस बाहर वजन छाती पे गिरे इतना हमें भार देना है ताकि छाती 2 इंचेस नीचे दब सके। आगे देखिए, रिपीट टू गिव 30 कॉम्प्रेशन एट अ रेट ऑफ 100 कॉम्प्रेशन पर मिनट,
मतलब क्या कि 1 मिनट में हमें 100 कॉम्प्रेशन देने हैं। फोर्थ नंबर का स्टेप्स है ओपन द एयरवेज, मूव टू द पेशेंट हेड, टिल्ट हिज हेड एंड लिफ्ट हिज चिन टू ओपन द एयरवे अगेन, लेट हिज माउथ फॉल ओपन स्लाइटली। मतलब क्या है कि पेशेंट का जो हेड है उसे थोड़ा पीछे की तरफ झुकाना है और पेशेंट की टोरी को लिफ्ट करना है और एयरवेज को ओपन ही रखना है। हमारा फिफ्थ नंबर का जो स्टेप्स है, गिव अ रेस्क्यू ब्रीथ, पिंच द नॉस्ट्रिल क्लोज विद द हैंड दैट वॉज ऑन द फोरहेड एंड सपोर्ट द पेशेंट चिन विथ योर अदर हैंड, टेक अ नॉर्मल ब्रीथ। अपने एक हाथ से नाक के छिद्र को बंद करे और दूसरे हाथ से रोगी की टुड्डी को सहारा दे और नॉर्मल सांस दे। सिक्स नंबर का जो स्टेप्स है वो देख लेते हैं, वॉच जस्ट फॉल, उसमें बताया कि रिमूव योर माउथ फ्रॉम द पेशेंट एंड लुक अलोंग द चेस्ट वॉचिंग द चेस्ट फॉल, रिपीट स्टेप 5 and 6। मतलब क्या कि मरीज की जो चेस्ट है उसको देखना है और उसमें कुछ मूवमेंट हो रही है कि नहीं वो देखना है और फिर से हमें 5 और 6 नंबर का जो स्टेप्स है वो अप्लाई करना है। हम 7th नंबर का जो स्टेप्स है वो देख लेते हैं, रिपीट चेस्ट कॉम्प्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रीथ, प्लेस योर हैंड ऑन चेस्ट अगेन एंड रिपीट द साइकिल ऑफ 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन फॉलो बाय 2 रेस्क्यू ब्रीथ, कंटिन्यू द साइकिल। हमें क्या करना है, 30 बार कॉम्प्रेशन और 2 बार ब्रीथिंग जो है प्रोसेस कंटिन्यू जारी रखनी है। जैसे कि हमने पहले बताया कि जब तक आप थक नहीं जाते, एम्बुलेंस आ नहीं जाती है, पेशेंट की मूवमेंट होने नहीं लगती है, तब तक हमें क्या करना है, वो CPR की मेथड जारी रखनी है। इस तरह हमारा CPR का टॉपिक खत्म हुआ। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।